में एक चीज मैं बोलना चाहूंगा पहले, वो क्या, जब हम प्रदेश से आते हैं, हमें को गांव का, हमारे अपने पिंड का कोई बंदा या गांव का या कोई शहर का मिलता है, सलाम वालेकुम सलाम, हाज साहब कब आए हो, हाज साहब किधर आए हो, कल ही आए हैं जी, कल यानी कि आए हैं, तो अच्छा कितनी छुट्टी आए हो, दूसरा सवाल ये होता है ना, आज ही इतनी छुट्टी आया हूँ या देखता हूँ या जितने दिन रहूँ, अच्छा वापस कब जाना है तीन सवाल होते हैं हमसे बस परदेसियों से, ये वीडियो आपको बाकी मैं दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुन ले या सुन ले पहले, बाहर से लोग यहाँ आते हैं कॉटन का सफ़ेद सूट पहना होता है, अब बिल्कुल जी मैं भी आया हूँ, मैंने भी कॉटन के सफ़ेद भी बनाए और भी कलर के बनाए, और कहते हैं हम बाहर से आए हैं, अब बिल्कुल जी, मुझसे जब कोई पूछता है तो मैं बोलता हूँ जी बिल्कुल सऊदीया से आया हूँ, अच्छा जबकि वहाँ वो वाशरूम धो रहे होते हैं, वाशरूम समझते जी, हमाम, हम जिसे हमाम बोलते हैं, जिन्हू लैटरिन कहने पर पंजाबी, अभी मैं आपको इनकी ये जो इनका क्लिप है ना, ये साथ में सुना भी देता हूँ, अच्छा मैंने वाशरूम खुद धोए हैं, मैं बात स्टार्ट कर लेते हैं अभी सुन लें, मैंने वाशरूम खुद धोए हैं जी, पाकिस्तान में भी अपने घर का धोया हुआ है, सऊदीया में भी धोया हुआ है, सऊदीया में एक शुगे में जिसमें हम रहते थे, दो रूम होते थे, एक वाशरूम, एक टीवी लॉन, एक किचन, अक्सर वाशरूम मैं धो देता था, एक एक जुमे वाले दिन हमारे कमरे वाले धो देते थे, एक एक जुमे वाले दूसरे कमरे वाले धो देते थे, या मैं धो देता था क्लोरक्स लेकर, आपको पता है उससे सारा वाशरूम, या वो जो तेजाब मिलता है वहां पर अमेरिकन, उससे हम वाशरूम कूच कूच कर साफ करते हैं भाई, उसी की सिंपल बात है, परदेसी जो है भाई, हमने कपड़े आप हम अपने खुद धोते हैं, एक खाना खुद बनाते हैं और वाशरूम खुद धोते हैं, अपने जूतों की जराबों की ये जितनी भी सफाई होती है ये खुद रखते हैं, किस लिए रखते हैं, इंटरेस्टिंग चीज ये है ना, रखते हैं किस लिए, यार जो कमाई आती है, अगर हम लॉन्ड्री में सफाई वाला बंदा रखा हुआ है, खाना बाहर से खाएंगे तो जो हमारी कमाई आएगी, हमारी सैलरी आएगी, हम कमाएंगे वो वहीं पर खाएंगे, पीछे बैठी फैमिलीज को क्या खिलाएंगे, इसलिए बचाते हैं ना। अभी सुन लें जी, ये जो क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ, आपको मैं वो क्लिप पहले सुना दूं जिसमें एक दूसरे भांड साहब, पांडे जी कहने पर भांड साहब भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, बहरहाल अभी इन्होंने इसके मतलब क्या अपना इनका नजरिया क्या है वो भी इन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया है, पहले आप इनका क्लिप, और यहाँ पे कॉटन का व्हाइट सूट पहनाते हैं और कहते हैं जी हम बाहर से आए, जबकि वहाँ पे शायद वो वॉशरूम वॉश कर रहे होते हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बस कॉटन का सूट पहन रहे हैं। जी बाहर से आते हैं कॉटन का सूट पहनते हैं और वहां पर वाशरूम धो रहे होते हैं, तो वो कैसे रुपये साहब आगे से बोल रहे हैं जी, ऊपर वाले पॉकेट में 5,000 का नोट डाला होता है और बोलते हैं हम बाहर से आए हैं, और यार तेरे बाप का डाला होता है, पहली बात तो ये अपनी कमाई का हम डालते हैं ना, और दूसरी बात ये इन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर अभी माफी मांग ली है, चलो ठीक है जी, माफी जब कोई बंदा मांग ले तो उसके बाद उसके ऊपर कोई किसी किस्म की कार्रवाई करनी तो बनती नहीं है, लेकिन यार देखें एक बंदा आता है आपके मुंह के ऊपर या मेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ लगाता है परदेसियों के चेहरे के ऊपर और बाद में बोलता है जी सॉरी, ये भी चीज तो काबिले गौर होनी चाहिए ना। अच्छा बहरहाल जी, ये क्लिप इनका सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ, उसके बाद इनको तनकीद का निशाना बनाया गया, अच्छा खासा बनाया गया, और जैसा कि मैं तो बहुत हाथ हौला रखा हुआ, यकीन कीजिए लोग तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, और ये जो मैडम साहिबा है और ये जो प्रोग्राम था जी, प्रोग्राम के मुतल आप मुज़ाकरात पाकिस्तान का मशहूर मरूफ प्रोग्राम है, और ये वसी चौधरी साहब को भी सोचनी चाहिए कि आपका प्रोग्राम हम परदेसी वहां पर बहुत से देखते हैं जो कि अभी नहीं देखेंगे ये बात होने के बाद, और दूसरे थे जी कैसे भी, या इन्होंने बाद में माजरत कर ली है सोशल मीडिया के ऊपर कि जी मुझसे जो भी मिस्टेक हुई है मैं उसके लिए माजरत खुवाऊं, ठीक है जी माजरत खुवाएं, लेकिन बात तो वायरल होगी ना आपकी, और ये जी मॉडल थी ना जिन्होंने ये क्लिप जारी किया, जिनकी तरफ से ये बात शुरू की गई, वो सारा नीलम है जी, इनकी एक मैं इंटरेस्टिंग किस्म की आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, मैं शायद आपने थंबनेल में के ऊपर भी देख ली हो इनकी ये पिक्चर, ये सोशल मीडिया के ऊपर इनकी पिक्चर वायरल हुई है जी, और ये बयान का वायरल हुआ है जी, और ये ऐसे है जी वैसे, यार मैं दूसरी तरफ पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हैं, बेचारे मैं भी इन्हीं में शामिल हूँ, जैसे कि हम काम करते हैं वहाँ पर धूप में गर्मी में सारे काम अपने खुद करते हैं, तो ऊपर से पाकिस्तान आए तो एक चीज़ इंटरेस्टिंग हमें ये मिलती है आगे से, ये तुम्हारा मोबाइल बंद है वरना निकालो 50,000, हाँ ये जो वाईफाई है तुम्हारी ये भी बंद है वरना निकालो इसका भी 10,000, हाँ इम्पोर्ट चीज़ें ये लग्जरी आइटम है इसके ऊपर पैसा दो, हाँ अभी तुम हाँ भी पाकिस्तान आए हो, हाँ ठीक है जाना कब है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो ये चीज़ें होती हैं, तो तमाम परदेसी भाई यार इस चीज़ के ऊपर मैं तो यही बोलूँगा माइंड मत कीजिएगा,
अभी उन लोगों ने सॉरी बोल ली है, फिर भी एतराज तो हमारा बनता ही है।